हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत से पॉपुलर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज को एक्सप्लेन करूँगा जो आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक मिस्टेक को अवॉइड करना है जो मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को साइड में रख कर वो कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर पैसा है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी है। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ और पैसे हर कोर्स में है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट और स्किल है उस चीज़ में। जितना इंटरेस्ट और स्किल होगा उतना आप उस चीज़ को एक लेवल पर लेकर जा सकते हो। ये वन ऑफ द मेन डिसीज़न होता है आपका। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस कोर्स को सिलेक्ट करो, और जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ है अपने इंटरेस्ट को लेकर कि कौन सा कोर्स करे कौन सा नहीं, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसमें मैंने बहुत से कोर्सेज को एक्सप्लेन किए हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन सा कोर्स आपके लिए है और कौन सा आपके लिए नहीं है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज और कोर्सेज, ये सभी कोर्सेज को मैं वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बीकॉम डिग्री से। बीकॉम स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। बीकॉम का मेन फोकस एरिया बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड रिलेटेड चीज़ों पे होता है। स्टूडेंट्स को इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बीकॉम डिग्री या कोर्स में। ओके, अब बीकॉम कोर्स में आपको कॉमर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सभी सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम के, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ओके, तो ये सभी मेन सब्जेक्ट्स थे अभी जो हमने देखे। बीकॉम आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो बीकॉम जनरल या फिर बीकॉम हॉनर्स। ये दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। बीकॉम जनरल और बीकॉम हॉनर्स दोनों की ड्यूरेशन 3 साल की है। सब्जेक्ट्स भी मोर और लेस सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस यह है कि बीकॉम जनरल में आपको पूरे के पूरे 3 साल कुछ सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और उन सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ाया जाता है। अब बीकॉम हॉनर्स में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी कुछ सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं और वो सभी सब्जेक्ट्स आपको 2 साल तक इक्वली पढ़ाए जाते हैं। बट जो लास्ट का 1 साल होता है, दैट इज़ 3rd ईयर, उसमें आप खुद से कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पसंद है तो आप इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं 3rd ईयर में। ओके, तो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ाया जाएगा 3rd ईयर में। तो ये एक बिगेस्ट डिफरेंस होता है कि आप बीकॉम जनरल में स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकते और बीकॉम हॉनर्स में स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। तो यहाँ बीकॉम हॉनर्स की स्टडी थोड़ी सी टफर मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू बीकॉम जनरल, क्योंकि जो बीकॉम हॉनर्स में डीपली पढ़ाए जाते हैं उनका ओवरव्यू हमें बीकॉम रेगुलर में मिलता है। बीकॉम डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर होती है जो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जैसे कि CA, CS एंड CMA एंड मैनी मोर, और जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट साइड बाय साइड कोई स्किल सीखते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है उनके लिए भी बीकॉम डिग्री एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं BBA की। BBA स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। ये प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ में। BBA वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक बिजनेस में प्लानिंग, कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट का रोल क्या है, ये सब आप इसमें पढ़ते हो। BBA का मेन फोकस एरिया होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये सभी स्किल्स को डेवलप करना। ये सभी स्किल्स आप इस BBA कोर्स में सीखते हो। अब BBA में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज़ MIS, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर,
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सब सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स हैं, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब बात करते हैं BBI की। BBI स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। BBI 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें आपको स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो BBI वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्हें अपना करियर मेनली बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में, एज वेल एज अकाउंटिंग और फाइनेंस के फील्ड में बनाना हो। तो अगर आप इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हो तो आप BBI कोर्स को परस्यू कर सकते हो। BBI का मेन फोकस एरिया बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एज वेल एज अदर फील्ड्स लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस लॉस, अकाउंटिंग, इन चीज़ों में होता है। BBI में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बैंकिंग, लॉ, इंश्योरेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सब सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स हैं, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स BBI में आपको पढ़ाए जाते हैं। डिस्कस करते हैं BAF डिग्री के बारे में। ओके, तो BAF, दैट इज़ BAF, स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। BAF स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है अकाउंटिंग और फाइनेंस के फील्ड में। तो जिन स्टूडेंट्स को 11th एंड 12th में अकाउंट सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था और उनका डिज़ायर है कि अकाउंट्स और फाइनेंस के फील्ड में करियर बनाना है उनको, तो ये कोर्स BAF का आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो। तो BAF में आपका जो मेन फोकस एरिया होगा वो अकाउंट्स और फाइनेंस के फील्ड में होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि ये एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है। BAF में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन और IT, इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। ये सभी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अब हम डिस्कस करेंगे BCA डिग्री की। ओके, BCA स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। जो स्टूडेंट्स IT फील्ड में इंटरेस्टेड है और IT फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। BCA कोर्स का मेनली फोकस एरिया जो होता है वो होता है डेटाबेस, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर और कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, लाइक सी एंड जावा, ये सभी पे मेन फोकस किया जाता है। और BCA का जो मेन सब्जेक्ट्स होता है वो होता है प्रोग्रामिंग एंड सी लैंग्वेज, नेटवर्किंग, विजुअल बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बेस मैनेजमेंट एंड जावा और मैनी मोर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे, तो सब्जेक्ट है ना चेंज भी हो सकते हैं आपको। ये सभी मेन सब्जेक्ट्स थे। तो अब हम देखते हैं BFM डिग्री। BFM स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है फाइनेंशियल मार्केट्स के फील्ड में। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स जहां लोग बाय और सेल करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स, लाइक स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, कमोडिटीज़ मार्केट एक्सेट्रा। तो जो जो स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और उनको इस फील्ड में करियर बिल्ड करना है, तो इस कोर्स को वो परस्यू कर सकते हैं। अब BFM कोर्स का मेन फोकस एरिया फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक्स एंड इन्वेस्टिंग में होता है। BFM में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, डेब्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटीज़ मार्केट, मनी मार्केट, बिजनेस टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सभी मेन सब्जेक्ट्स हैं, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं आपको। अब हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, BJMC स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। जो स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, और वो जर्नलिज्म और मीडिया इंडस्ट्री, स्क्रिप्ट राइटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स वो स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो फोकस एरिया होता है वो राइटिंग स्किल्स, रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, रिसर्च एंड अटेंशन टू डिटेल, डिजिटल लिटरेसी, इन चीज़ों पे किया जाता है। अब BJMC में आपको इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, राइटिंग फॉर मीडिया, साइबर मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन रिसर्च, टेलीविजन जर्नलिज्म एंड रेडियो जर्नलिज्म, ये सभी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके,
डिस्कस कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट के डिग्री के ऊपर। तो BHM स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये 3 या 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 3 साल का होता है और कहीं 4 साल का होता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज। होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि होटल को हर तरह से मैनेज करना। अब मैनेज करना मीन्स इसमें बहुत से काम शामिल होते हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी, होटल बुकिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस एंड मैनी मोर। और होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग जॉब सेक्टर्स में ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इवेंट्स मैनेजर, वेडिंग कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर ऑफ होटल ऑपरेशन मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर, चेफ, फ्लोर सजेशन, फ्लोर सुपरवाइज़र, गेस्ट सर्विस सुपरवाइज़र, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फूड एंड वाइब्रेशन मैनेजर, किचन मैनेजर। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो और इसमें करियर बिल्ड करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। ओके, अब BHM दैट इज होटल मैनेजमेंट की आपको डिग्री में आपको फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, न्यूट्रिशन, होटल लॉ, फैसिलिटी प्लानिंग एंड F&B मैनेजमेंट, वैल्यू एंड एथिक्स, ये सभी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे आपको ये इस डिग्री में पढ़ाए जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग की। फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है दैट इज़ BFD, स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन। ये 3 या 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के ऊपर। ओके, कहीं पर 3 साल का होता है, कहीं पर 4 साल का होता है। अगर आपका इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है और फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हो, फैशन इंडस्ट्री को डीपली स्टडी करना चाहते हो, तो आप ये कोर्स को परस्यू कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग ये फील्ड क्रिएटिव है, तो फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ क्लोथिंग तक ही नहीं होता। फैब्रिक डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें भी फैशन डिज़ाइनिंग में ही आती हैं। तो अगर आप फैशन रिलेटेड चीज़ों से फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो।